नमस्कार दोस्तों, शिक्षा ज्ञान की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट लेवल वन के बारे में, जो वेटिंग लिस्ट और रिसपल के जो अभी पद रिक्त रहे हैं, रिक्त पदों का वर्गीकरण जो जिसमें दोनों कैटेगरी आती है TSP और NTSP, उनके दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितने पद रिक्त है और कितने पदों पर रिसपल आएगा और कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बारे में बताएंगे। हमने सही तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर इसका विश्लेषण किया और विशेषज्ञ राय के आधार पर हमने ये जो आपको पद है वो हम बताएंगे। विशेषज्ञों की राय के आधार पर हमने ये जानकारी उपलब्ध करवाई है और उसके बाद में आपको हम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों अपने सटीक जानकारी हम आपको देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और जो आप डेली देखते हो न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर कि 6,800 पद या 8,000 पद है, इतने पद खाली इतने पद खाली, लेकिन उतने पद नहीं है। और सही यदि जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आगे बढ़ा इससे पहले एक बार रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलने वाली है। साथ में जो बेल आइकन दिखाई दी उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट समय समय मिलती रहे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हुए ले चलते हैं आज की अपडेट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे NTSP के बारे में, जो NTSP है उसके बारे में कि इसमें कितने पद है वो खाली है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रिसपल की। रिसपल में यहाँ पे 2456 पद इसके अंदर रिसपल के अंदर NTSP में खाली है, 2456 आप देख लीजिएगा। और वेटिंग की यहाँ पे बात करें तो वेटिंग लिस्ट के अंदर यहाँ पे हम आपको बताएं तो 2548 जो इसमें पद खाली है आपके वेटिंग लिस्ट के लिए। तो आप दोस्तों दोनों को मिला के देख सकते हो आपके टोटल कितने हो सकते हैं। ये 5004 पद है दोनों, जो NTSP के है और दोनों रिसपल और वेटिंग को मिलाकर 5400 पदों पर है और रिसपल और वेटिंग आएगी। अब नेक्स्ट जो अपने है यहाँ पे बात कर लेते हैं TSP क्षेत्र की। जो TSP क्षेत्र है उसमें आपके जो रिसपल है वो 299 सीटों पे आएगा और इसमें जो वेटिंग की बात करें तो वेटिंग आपकी 267 सीटों पे आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी और यहाँ पे 299 सीटों पे आपका रिसपल आएगा। दोनों को आप मिलाओगे तो यहाँ पे 566 सीटों पे आपकी वेटिंग लिस्ट और रिसपल है वो यहाँ पे आएगा। अब जो यहाँ पे अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि रिसपल और वेटिंग कितने कितने पदों पे आएगी NTSP और TSP में मिला के, तो आप यहाँ पे जोड़ के खुद भी देख सकते हो। जैसे कि ये आपके 2456 पद जो NTSP के बता रहा हूँ इसमें और प्लस 299 है वो TSP के है, इन पे तो है आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, यानी 2755 पदों पे तो आपकी जो रिसपल है वो यहाँ पे आएगा 2755 पदों पे। अब बात कर लेते वेटिंग लिस्ट NTSP और TSP मिला के, तो यहाँ पे आपकी 2815 सीटों पे है वो वेटिंग लिस्ट आएगी NTSP और TSP दोनों कैटेगरी को मिला के। तो दोस्तों आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिस मिलती रहे और आप कोई भी अपडेट है वो मिस नहीं कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।